दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और जिसने अभी मेरी वीडियो शेयर नहीं किया वो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अब हम आपको ले चलते हैं एक नए, बिल्कुल नए ऐप्स पर। अब आगे देखते हैं, आपको समझाते हैं इसके बारे में। धीरे धीरे एक ऑप्शन करके दिखाते हैं। और ये नीचे देखो, इसका ग्राफ आ गया है, कंपनी इंट्रोडक्शन का ग्राफ दिया हुआ है, नीचे इसका लेवल दिया हुआ है। अब इसको हम धीरे धीरे आपको एक लेवल करके दिखाते हैं, रिचार्ज करके दिखाएंगे। चलते हैं, पहले पहले आपको ग्राफ पे इसको रिचार्ज करके दिखाएंगे। तो रिचार्ज, हम बात करते हैं ट्रेड वाले ऑप्शन की। ट्रेड वाले ऑप्शन में मेरे को क्लिक करना है, तो ट्रेड वाले ऑप्शन में क्लिक करके हमारी जो ट्रेंडिंग है वो 0.+5.00% क्लोज माइनिंग इज वर्किंग है, तो इससे आप इसकी परसेंटेज से पैसा कमा सकते हो। गाइज, अब हम बात करते हैं इन्वेस्ट वाले ऑप्शन की। इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में अगर हम क्लिक करते हैं तो इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में यहाँ पर देखिए, इन्वेस्ट वाला जो ऑप्शन है तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं। इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में हम इन्वेस्ट वाले ऑप्शन में आते हैं तो प्रोडक्ट लिस्ट के बाद हम रिचार्ज वाले ऑप्शन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर एक इन्वेस्ट लिस्ट आ जाती है। इन्वेस्ट लिस्ट के बाद हम रिचार्ज ऑप्शन क्लिक करते हैं। रिचार्ज ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये होम वाले ऑप्शन पर, होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरे सामने रिचार्ज विड्रो दो ऑप्शन आ रहे हैं। हम रिचार्ज वाले ऑप्शन क्लिक करते हैं। रिचार्ज वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद मेरे को ट्रांसफर टू बेसिक अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर मेरा जो लिंक है वो मेरे को सक्सेस कर लेना है। तो अब मेरे को चलना है अपने ट्रस्ट वॉलेट में। ट्रस्ट वॉलेट में जाने के बाद यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं, मेरे को यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड डालने के बाद दिया, मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना। सेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे को जो अपना एड्रेस पेश कर देना है, यहाँ पर मेरे को जो अपना अमाउंट डाल देना। अमाउंट डालने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर मेरा कंफर्म वाला ऑप्शन आता है। कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम एक बार फिर से अपना अमाउंट डाल देते हैं, यानी कि पासवर्ड डाल देते हैं। और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर मेरा जो डिपॉजिट था वो सक्सेस हो गया। सक्सेस होने के बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, फिर से एक बार हम अपने एप्लीकेशन में जाते हैं। एप्लीकेशन में जाने के बाद यहाँ पर रिचार्ज कंप्लीट वाले ऑप्शन क्लिक करते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं, 20,000 अब मेरा जो अमाउंट है, मेरा अमाउंट अब बढ़ चुका है। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, देर में आ तू बोल दे। तो गाइज यहाँ पर देखते हैं 20,000 मेरा 18 हो चुका है। तो गाइज अब हम बात करते देखे। हैं विड्रो वाले ऑप्शन। विड्रो वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इंटरफेस के बाद एक बार मेरे को फिर से अपने वॉलेट एड्रेस में, वॉलेट एड्रेस में जाने के बाद यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर रिसीव वाला ऑप्शन जो आता है, रिसीव वाले ऑप्शन क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, टर्न वाले ऑप्शन क्लिक करना है। यो एड्रेस कॉपी कर लेना, फिर से मेरे को अपने एप्लीकेशन में जाना है। यहाँ पर जो विड्रो एड्रेस है वो सेंड कर देना है। यहाँ पर मेरे को अपनी लिमिट डाल देना है, लिमिट जैसे कि मेरी 0.90000 है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अब मेरा बिल्कुल पासवर्ड मैंने डाल दिया है। तो अब यहाँ पर मेरे को अब सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर क्या देखते हैं, खान खान डाला ना पासवर्ड। तो गाइज आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना ये सारा डाल दिया। तो गाइज अब मेरे को यहाँ पर सबमिट वाले ऑप्शन करने हैं। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर फिर हम मेरे को होम वाले ऑप्शन पर जाना। होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरा जो विड्रॉ है वो सक्सेस हो गया है। तो गाइज अब हम बात करते हैं यहाँ पर माइंड वाले ऑप्शन। माइंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये मेरे सामने काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे कि माई टीम ऐप सबमिट टिकट्स वगैरह, ये सारे ऑप्शन माई टीम वगैरह। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और सारे ऑप्शन आ जाते हैं। शेयर वाले ऑप्शन में, शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्या देखते हैं कि मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। तो यहाँ पर मेरे को यहाँ से ये लिंक कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर मेरे को फिर से बैक आ जाना है और आप किसी भी अपने फ्रेंड्स के पास भेज सकते हैं। तो गाइस कैसी लगी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगले मिलते हैं अगली।